देखिए आपके माध्यम से मेरे को पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे है, और साक्षी मलिक ने अपनी रेलवे की जो अभी छुट्टी जो ज्वाइन की है, और अच्छी बात है कि नौकरी से ज्वाइन की और अपनी कुश्ती भी करेगी, अभी कोई एशियन गेम्स है, ऐसा ठीक है, और कानूनी जो लड़ाई है वो लड़नी चाहिए, अच्छी बात है, किसी के साथ गलत आदेश के लिए आवाज उठानी भी चाहिए और लड़ना भी चाहिए। पर मेरा मानना है कि जो कुश्ती का कार्य लगातार 3-4 महीने जो घटना हुई है बड़ी दुखद है, और काफी कुश्ती को काफी नुकसान पहुंचता है इस प्रकरण से जी। और ये सारे रेसलर्स अब लगे हुए हैं, हरिद्वार भी पहुंच गए थे कि अपने मेडल्स को गंगा में बहाने वाले थे, फिर जो फार्मर ग्रुप्स ने उनका समर्थन दिया, तो इस पूरे मामले के बारे में आपको क्या कहना है कि अभी तक सरकार ने क्यों नहीं ऐसा कोई कदम लिया जिससे उनको सेटिस्फेक्शन हो, और वो मतलब यही मांग कर रहे हैं तब से कि कोई एक्शन लिया जाए। देखिए पुलिस ने FIR दर्ज कर चुकी है, उन्होंने पहले 3 महीने पहले बोला था कि अगर किसी को अभी न्याय चाहिए, कोई लड़ाई लड़नी है, कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश हमारा और न्यायालय के हाथ में ही है किसी को दोषी निर्दोष साबित करना, और पहलवानों ने FIR दर्ज कर दी है और पुलिस अपनी जाँच कर रही है। तो आगे जाँच प्रक्रिया है, जो कानून व्यवस्था है हमारे देश की, और जो न्यायालय प्रक्रिया है, न्याय प्रक्रिया है, वो उसी हिसाब से काम होगा। पर मेरा मानना है कि जो पहलवान है अभी शायद अपना मैच पे खेल गए होंगे और अगली एशियन गेम्स ओलंपिक की तैयारी कर रहे होंगे, अच्छी बात है कि, और मैं और भी जो पहलवान है जितने भी है, ये कहूँगा कि भाई अपना इस जो बुरा टाइम से निकल गया अपनी मेहनत करे, देश के लिए मेडल जीतने का सपना देखो पूरा करेंगे।